फैमिली वेलकम बैक टू माय चैनल सुने को जुनून। तो कैसे हैं आप लोग? लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा कि हम लोग पहुंच गए मुंबई, इट मींस मुंबई सेंट्रल, एंड हमारा जो होटल था फ्रेंड्स वो था अंधेरी ईस्ट। ओके, तो उसके लिए क्या था कि मुंबई सेंट्रल से अंधेरी जो था वो बहुत दूर था। सबने सजेस्ट किया कि नहीं आप बाय रोड मत जाना क्योंकि आपको वहाँ पे 5 से 6 घंटे जाम में लग जाएगा। एंड यस, हमारे पास टाइम की भी कमी थी बिकॉज हम लोग सिर्फ और सिर्फ 3 दिन के लिए गए थे एंड व्लॉगिंग भी करनी थी। तो वहाँ पे सबने सजेस्ट किया कि आप ऐसे ऐसे जाइए लोकल ट्रेन से। फ्रेंड्स मुंबई सेंट्रल ऐसे स्टेशन है जहाँ पे बाहर की भी ट्रेनें आती हैं एंड वहाँ पे लोकल ट्रेन भी चलती हैं। पहले जो गई है ना खाली थी, इसके बाद वाली में आप जाना तो खाली मिलेगी। इसके बाद दिल्ली मेट्रो में अंदाजा है ना सबको कि मतलब आइडिया हो जाता है कि अभी भीड़ है, इसके बाद आएगी तो खाली होगी डेफिनेटली। मतलब ऐसा ही सीन है यहाँ पर। फ्रेंड्स फाइनली मैं चढ़ गई, यकीन नहीं हो रहा है चढ़ गए। अरे तो कैसे उतरूं? फ्रेंड्स मिस्टेकनली गलती से मैं और मेरी मम्मी जो है वो स्पेशल डिसेबल पीपल के लिए जो होता है केबिन उसमें चढ़ गए थे। ठीक है, ऑब्वियसली इतना ज्यादा सामान लेकर आप नहीं देख पाते हो एंड भीड़ भी बहुत होती है डेफिनेटली, तो वो चीज गलती से हो गया। खैर वहां पे जो भी केबिन में लोग बैठे थे इस पर्टिकुलर केबिन में, उन्होंने बोला कि नहीं आप बैठो, टेंशन वाली बात नहीं है, टेंशन मत लो, क्योंकि यहाँ इस केबिन में नॉर्मल लोग भी बैठे थे। एंड जो पीछे लेडीज केबिन में था उन लेडीज लोगों ने भी बोला कि नहीं आप बैठो, घबराओ मत, ऑब्वियसली हम लोग न्यू है तो हो जाता है, राइट? तो फिर सबने बोला कि नहीं आप बैठो, टेंशन मत लो। लेकिन मेरी मम्मी ने तो फौरन कहा कि नहीं मुस्कान, चलो चलो यहीं पे उतर जाते हैं। और ये अंकल आप देख सकते हो, इन अंकल ने भी बोला कि नहीं आप बैठो दादर, ये जो दादर स्टेशन है इस पर बहुत भीड़ होने वाली है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इन भैया ने बोला अगर आप उठ ही गए हो तो आप उतर जाओ एंड नेक्स्ट केबिन में, यू नो लाइक लेडीज केबिन में बैठ जाना। ऑब्वियसली मेरी मम्मी भी कह रही थी कि नहीं नहीं हमें नेक्स्ट केबिन में ही बैठना है और नेक्स्ट स्टेशन पे उतर के चेंज कर लेंगे बेटा, ये दिस इज़ रॉन्ग, हमें ये नहीं करना है। चलो जी उतर गए। उसके बाद मेरा मूड बहुत ख़राब हुआ और उसके बाद आप देख सकते हो फिर हमने नेक्स्ट ट्रेन आने का वेट किया एंड पर्टिकुलर लेडीज़ केबिन में चढ़ गए। एंड यू नो वॉट, बहुत हिम्मत से चढ़ी हूँ फ्रेंड्स मैं और मेरी मम्मी बिकॉज मूड बहुत ख़राब हो गया था और इतना भारी सामान लेके चढ़ना ऑब्वियसली दिस इज़ वेरी मच डिफिकल्ट। डेफिनेटली यार इतना सूटकेस भारी सामान लेके उतरना चढ़ना वो भी अकेले तो बड़ा मुश्किल हो जाता है डेफिनेटली, तो मूड तो ऑफ होना ही था। ऐसा तो कुछ नहीं है ना यहाँ पे भी रूल्स एंड रेगुलेशंस। हदी हो गई फ्रेंड्स यार, मेरे बस की नहीं। फेवरेट फ्लावर्स यहाँ पे भी दिख रहे हैं मुझे, कोई लेके जा रहा है। फाइनली लोकल जो ट्रेन से है यहाँ पे हमने एग्जिट कर लिया अंधेरी ईस्ट पे। यहाँ पे खाने का भी काफ़ी कुछ है, आप देख सकते हो लखनऊ फ्लेयर यहाँ पे भी छा गए। हालत ख़राब, बारिश स्टार्ट हो गई आप देख सकते हो यहाँ पर। उधर से मिलेगा कम दिस साइड, रुक के बॉम्बे, वेलकम टू मुंबई।
फ्रेंड्स, इन ऑटो वाले भैया ने ना हमसे हमारे होटल तक का, अंधेरी स्टेशन से होटल सुबह तक का चार्ज किया था 80 रुपीज, विच इज़ डेफिनेटली कॉस्टली. इन्होंने ज़्यादा पैसे चार्ज किए थे, बट इट्स ओके, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. बट ये है कि टचवुड हमें ऑटो भी मिल गया था, बिकॉज बहुत बारिश हो रही थी यार, बहुत दिक्कत हो रही थी. एंड बाय रोड आते तब तो सब यही बोल रहे थे कि आप फंस जाते अगर आप लोग बाय रोड आ जाते तो. बारिश तेज हो गई. आए थे 9:30 के अराउंड. एंड उसके बाद अभी इन्होंने बोला है कि मतलब ऑब्वियसली चेक इन टाइम इज़ 2 o'clock, सो अभी हमें वेट करना पड़ेगा. एंड मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस दैट आई एम लो एंड बहुत ठंडी लगती है. तो अभी मतलब तबीयत भी ठीक नहीं है. एंड अभी मैं सोचा थोड़ा सा फ्रेश वगैरह हो के जब चेक इन होगा देन ओनली मैं अभी आपसे बात करूँगी. अभी यहाँ पे जस्ट वेटिंग एरिया पे हम लोग वेट कर रहे हैं, आप देख सकते हो मम्मी को भी. और ठंडी लग रही है यार, और यहाँ पे बारिश कॉन्टिन्यूसली हो रही है, बट आई स्टिल विल स्टिल मैनेज टू एक्सप्लोर मुंबई मोर. सो फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा ना भूख लग गई थी तो इसलिए मैं यहाँ पे ऑर्डर कर रही हूँ जोमेटो से KFC. इट्स 12 o'clock, अभी तक रूम अवेलेबल नहीं. No. किसका फोन हो रहा है? शो मी हूज अनोन. मैंने ऑर्डर किया है एक पेप्सी और 2 chicken popcorn राइस बॉल KFC से, बिकॉज बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी. आप समझ सकते हो बहुत ज़्यादा है. कितना टाइम हो रहा है अभी? 12 बज रहे होंगे अभी. एंड दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री, ओनली 4 bottles, एंड दिस इज़ ऑल्सो मतलब लाइक अ कॉम्प्लीमेंट्री, बट दीज आर चार्जेबल. एंड अभी फ्रेंड्स आपको आराम से रूम टूर दूंगी, अभी थोड़ा फ्रेश हो जाती हूँ है ना, फिर मिलती हूँ आपसे. तो गाइज देखिए सना आपकी कितनी सैड होके बैठी हुई है, बारिश हो रही है, देखिए मुंबई की बारिश का मजा लीजिए आप. सो फ्रेंड्स, ये था हमारे रूम से ना व्यू, और आप देख सकते हो. वैसे आप सबको मालूम होगा कि एशियाज लार्जेस्ट स्लम जो है वो है धारावी, विच इज़ लोकेटेड इन मुंबई ओनली. एंड वहाँ पे बहुत सारे ऐसे वेल, नज़ारा अच्छा था, ठीक था. एंड बहुत ज़्यादा हम लोग थक गए थे, इसलिए मैं ये व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ फ्रेंड. सो फ्रेंड्स प्लीज़ इस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार देना, इस वीडियो को सपोर्ट करना. मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय.